चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज एटॉमिक कोलिजन। इस एटॉमिक कोलिजन वाले पोर्शन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। उसमें पहला वाला जो पार्ट है वह है कोलिजन ऑफ एटम विद एन इलेक्ट्रॉन, कि अगर कोई एटम और मोर स्पेसिफिकली हाइड्रोजन लाइक एटम अगर किसी इलेक्ट्रॉन से अगर टक्कर करता है तो किस तरह की टक्कर होती है, किस तरह के कोलिजन्स होते हैं, एनर्जी लॉस होता है नहीं होता, अगर एनर्जी लॉस होता है तो कहाँ जाता है, इस बात को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, एक बार के लिए हम कोलिजन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लाइक एटम का इलेक्ट्रॉन के साथ देख रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वी नो इट वेरी वेल कि एटम के मुकाबले उसका मास काफ़ी कम है, नियरली 2000 टाइम्स के आसपास कम है। इस कारण से इसके पास बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी होगी। मोमेंटम हम जानते हैं कि m इंटू वी होगी एंड काइनेटिक एनर्जी इज ऑफ कोर्स हाफ इंटू m इंटू वी का स्क्वायर। तो जो फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके अंदर इस v वाले टर्म पर स्क्वायर है तो v बड़ा होगा, तो इस कारण काइनेटिक एनर्जी फिर भी अच्छी खासी होगी, मोमेंटम बहुत ही कम होगा। भले ही फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हो उसके पास मोमेंटम कम होगा लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी होगी, जस्ट बिकॉज की उसके पास स्पीड अच्छी है। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर किसी एटम से अगर कोई इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को नेगलेक्ट कर सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को हम इग्नोर नहीं कर सकते अगर वो फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन है। तो पहला पॉइंट, वी कैन इग्नोर मोमेंटम ऑफ ए फास्टली मूविंग इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कोलाइड्स विथ एन एटम। और कारण क्या है कि एटम के सामने इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो काफी कम है लेकिन काइनेटिक एनर्जी में बड़ा हाफ एम वी स्क्वायर आता है, तो वी का स्क्वायर, स्पीड अच्छी खासी बड़ी है, उसका स्क्वायर आएगा तो काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी आ जाएगी। बट वी हैव टू कंसिडर इट्स काइनेटिक एनर्जी, बड़ा इसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोगों को कंसिडर करनी पड़ेगी, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैं दो डिफरेंट केसेस ले रहा हूँ, है ना बेटा, मैं दो केसेस ले रहा हूँ। एक केस ये, मैं एक बार मुझे जगह चाहिए इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। मैं दो अलग अलग केसेस ले रहा हूँ। मैं कैलकुलेशन के लिए मैं एक बार हाइड्रोजन एटम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बड़ा हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस बीचों बीच, उसके चारों तरफ n इक्वल टू वन पर अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो उसके पास एनर्जी एज यू नो इट वेरी वेल -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर n इक्वल टू टू पर इलेक्ट्रॉन होता तो उसके पास एनर्जी वुड हैव बीन -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर n इक्वल टू थ्री पर इलेक्ट्रॉन होता तो उसके पास एनर्जी वुड हैव बीन -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड सो ऑन। बीचों बीच ऑफकोर्स न्यूक्लियस है, यहां कहीं इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर बेटा मैं कोई फोटोन गिरा रहा हूं, ऐसे मैं किसी फोटोन का कोलिजन कर रहा हूं। ये पहला केस। ऐसा ही एक केस और जिसमें आपके पास बीचों बीच न्यूक्लियस, उसमें n इक्वल टू वन पर इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसके पास एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर n इक्वल टू टू पर इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी इज ऑफ कोर्स -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। n इक्वल टू थ्री पर अगर इलेक्ट्रॉन है तो एनर्जी इज बड़ा कितनी -1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन बेटा शुरुआत में ऐसे ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है बच्चों,
इस केस में हमने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से कोलाइड करा रहे हैं हाइड्रोजन एटम से, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जाता है जाता है और हाइड्रोजन एटम के इस इकलौते इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है। इस केस में फोटोन कोलाइड कर रहा है और इस केस में इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहा है। दिस इज माई केस वन, दिस इज माई केस टू। आराम से देखिएगा, हम जानते हैं कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है दिस इज ऑफकोर्स माइनस 3.4 माइनस माइनस 13.6, आई थिंक दिस इज 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये जो एनर्जी डिफरेंस है वी नो इट वेरी वेल, बट दैट इज दिस माइनस दिस, आई थिंक बेटा 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर आपके फोटोन के पास एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट है या 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट है या फिर यहां की एनर्जी माइनस फोर्थ लेवल की एनर्जी, इन एनर्जी डिफरेंसेस में है, तो ये फोटोन आएगा और इस फोटोन को ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा और इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके यहां से उठ के बाहर आ जाएगा, n इक्वल टू 2 पर आ जाएगा, n इक्वल टू 3 पर आ जाएगा, n इक्वल टू 4 पर आ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी है। लेकिन मान लीजिए कि इस फोटोन के पास अगर एनर्जी 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट है तो क्या होगा? अगर इस फोटोन के पास एनर्जी अगर 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट होती तो ये वाला फोटोन इस इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करता और यहां से उठ के n इक्वल टू 2 में रोटेट करने लग जाता। अगर इस फोटोन के पास एनर्जी 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट होती तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब करता और n इक्वल टू 3 में चला जाता। लेकिन इस फोटोन के पास एनर्जी है 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्जॉर्ब ए फोटोन विच इज हैविंग एनर्जी 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, इट कैन ओनली एब्जॉर्ब फोटॉन्स हैविंग एनर्जी विच इज इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज एंड सो ऑन। सो ये वाला फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ये फोटोन सीधा यू निकल जाएगा 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, सीधा निकल जाएगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन भेज दूं और ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास काइनेटिक एनर्जी 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट है, और तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन गया 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 ये इस दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करेगा। अब कोलिजन के अंदर ये अपने अंदर से इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी दे पाती है, कितनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर कर पाती है, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कोलिजन पे। किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ कोलिजन पे। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दे सकता है, जितनी इसके पास है सारी 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट इसके पास एनर्जी है, सारी के सारी एनर्जी इसको दे सकता है। आपको याद भी होगा हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास चैप्टर के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन कोलिजन वगैरह पढ़ा था, एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ा था कोलिजन में कि सेम मास इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा। सेम मास इलास्टिक कोलिजन अगर याद हो तो दो पार्टिकल्स आते हैं, टकराते हैं और टकराने के बाद अपने वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि ये वाला पार्टिकल जब इससे टक्कर करेगा तो अपनी सारी के सारी एनर्जी इसको दे देगा, दे सकता है क्या? आप बोलोगे नहीं सर, मैक्सिमम एनर्जी ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको जो दे सकता है वो है 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का करेगा क्या, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब कर सकता है, या तो 10.2 या 12.09 या सो ऑन। तो आप कहोगे कि सर कोई बात नहीं, अगर इसके पास एनर्जी है 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट और एक इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन से अगर टक्कर कर रहा है तो इट इज समथिंग लाइक टू बॉल्स आर कोलाइडिंग। पीछे वाली बॉल के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, आगे वाली बॉल के पास ऑफ कोर्स बड़ा कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बॉल्स आई 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 टकराई। पीछे वाली बॉल के पास अगर काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए है 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट तो वो अपनी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लॉस कर सकती है या उसका कुछ फ्रैक्शन भी लॉस कर सकती है। इट मीन्स दैट ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये जो एनर्जी लॉस कर सकता है इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। एग्जैक्टली 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट करना जरूरी नहीं है, 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट से कम भी एनर्जी लॉस कर सकता है। हाँ, मैक्सिमम कितना कर सकता है 10.5। तो ये आएगा 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 आएगा, टक्कर करेगा। जैसे टक्कर करेगा इस इलेक्ट्रॉन को ये 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दे देगा टक्कर के अंदर, क्योंकि मैक्सिमम कितनी दे सकता है 10.5। यह इसने अपनी सारी एनर्जी 10.5 में से 10.2 इसको दे दी। जैसे 10.2 इसको दे दी ये वाला इलेक्ट्रॉन उठकर ऊपर आ गया
अब जो बाकी 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है वो किसके पास है, ये इसी के पास है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन आएगा आएगा आएगा, टक्कर करेगा 10.2 इसको दे देगा, और बाकी जो इसके पास 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी थी वो खुद रख लेगा और निकल देगा, और निकल जाएगा इस तरह से। तो कोलिजन के अंदर तो एक बॉल अगर रेस्ट पे है और दूसरी बॉल अगर उसके साथ के काइनेटिक एनर्जी से अगर टक्कर कर रही है, तो जो पीछे वाली बॉल है वो तो जीरो से लेकर के तक कितना भी एनर्जी लॉस कर सकती है, कितनी भी एनर्जी लॉस कर सकती है। हाँ, इसको कितना चाहिए, इसको एक्जैक्टली 10.2 इलेक्ट्रो वोल्ट चाहिए। अब अगर एक्जैक्टली 10.2 इलेक्ट्रो वोल्ट चाहिए तो ये तो एक्जैक्टली 10.2 ले लेगा, और बाकी 0.3 जो आपका बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन था, जो आपने बम्बार्ड किया था इलेक्ट्रॉन, वो अपने साथ लेके चला जाएगा। जैसे मैं वैल्यू चेंज करूं कि अगर मैंने कोई फोटोन गिराया जिसके पास एनर्जी है 11 इलेक्ट्रो वोल्ट, जैसे ये फोटोन 11 इलेक्ट्रो वोल्ट का गिरा, ये वाला फोटोन जो है ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को तभी एब्जॉर्ब करता जब एनर्जी या तो 10.4 होती या 12.09 होती या 100 हो। तो ये सारा का सारा जो फोटोन आपने इलेक्ट्रो वोल्ट 11 इलेक्ट्रो वोल्ट से गिराया, ये सीधा पार कर जाएगा और इधर निकल जाएगा, एंड द एनर्जी विल रिमेन 11 इलेक्ट्रो वोल्ट। लेकिन अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन गिराया जिसके पास काइनेटिक एनर्जी 11 इलेक्ट्रो वोल्ट है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब कोलिजन करेगा तो ये तो अपनी सारी की सारी एनर्जी भी दे सकता है और जीरो भी दे सकता है। जीरो और 100 के बीच में, सॉरी, जीरो और 11 इलेक्ट्रो वोल्ट के बीच की कितनी भी एनर्जी लॉस कर सकता है। इट मींस दैट कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस कर सकता है जीरो से लेकर 11 इलेक्ट्रो वोल्ट तक। इसे कितनी चाहिए? आप बोलो सर, इसे तो चाहिए 10.2 इलेक्ट्रो वोल्ट। तो जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो इस 11 इलेक्ट्रो वोल्ट में से ये वाला इलेक्ट्रॉन 10.2 को यूज करके बाहर आ जाएगा, बचा कितना, 0.8 इलेक्ट्रो वोल्ट। उस 0.8 इलेक्ट्रो वोल्ट जो होगी वो अपने इस बम्बार्डेड इलेक्ट्रॉन के पास रह जाएगी और ये इसको पार कर जाएगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस दूसरे इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा और सिर्फ कितनी एनर्जी लॉस करेगा, उतनी एनर्जी लॉस करेगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से कूद के यहां पे आ जाएगा, बाकी बची हुई वो अपने पास रख लेगा, बाकी बची हुई वो अपने पास रख लेगा। सिंपल। जैसे एक एग्जांपल और दूं, अगर आपके पास फोटोन के पास एनर्जी बड़ा मान लीजिए कि 12.2 इलेक्ट्रो वोल्ट है, 12.2 इलेक्ट्रो वोल्ट ना तो इस डिफरेंस के बराबर है ना इस डिफरेंस के बराबर है, तो ये फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा और आपका जो फोटोन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा और सीधा निकल जाएगा। लेकिन अगर मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को अगर कितनी एनर्जी से 12.2 इलेक्ट्रो वोल्ट एनर्जी से अगर इस इलेक्ट्रॉन पर बम्बार्ड किया, ये तो आपका वो इलेक्ट्रॉन है जो आपने बम्बार्ड किया है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन गया 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 गया, अब कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जीरो से लेकर 12.2 इलेक्ट्रो वोल्ट तक कितनी भी एनर्जी लॉस कर सकता है। कहां से कहां तक? जीरो से लेकर 12.2 इलेक्ट्रो वोल्ट तक कितनी भी एनर्जी लॉस कर सकता है, कितनी भी। अब इस इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है उसने इसमें से 10.2 खुद रख ली, 12.2 में से 10.2 तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को दे दी, बची कितनी, कितनी बड़ा 2 इलेक्ट्रो वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑफ कोर्स यहां से उछल के यहां पर आ गया और जो बाकी आपका जो इलेक्ट्रॉन था उसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रो वोल्ट की एनर्जी है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है, एक प्रोबेबिलिटी और है कि इलेक्ट्रॉन जाए 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 टक्कर करे और इस बार टक्कर के अंदर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को इस बार एनर्जी दे दे, कितनी, 12.09 दे दे। सर 12.09 दे सकता है क्या? हाँ भाई, जीरो से लेकर 12.2 तक कितनी दे सकता है। इसने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी 12.09, जैसे 12.09 दे दी ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाएगा। जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पर आया, 12.09 तो वो ले गया, 12.2 टोटल थी इसके पास, 12.09 इसको दे दी, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है बम्बार्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास एनर्जी बचेगी 12.2 माइनस 12.09, दैट इज आई थिंक 0.11 इलेक्ट्रो वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपने गिराए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस इलेक्ट्रॉन से अगर टक्कर करते हैं तो इसके बाद हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी 2 इलेक्ट्रो वोल्ट है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी 0.11 इलेक्ट्रो वोल्ट है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ने इस इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाया और कुछ ने इसको यहां से यहां पहुंचाया।
कितने यहां से यहां पहुंचे और कितने यहां से यहां पहुंचे ये हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि दो पॉसिबिलिटीज आएंगी। क्या क्या पॉसिबिलिटी आएंगी? कि ये अपनी एनर्जी का 10.2 दे दे या फिर 12.09 दे दे, और ऑफ कोर्स उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूद सकता है और यहां से यहां कूद सकता है। उसके अलावा जो एनर्जी बची वो ऑफ कोर्स जो आपने इलेक्ट्रॉन फेंका था वो अपने साथ ले जाएगा, बची हुई एनर्जी ले जाएगा। तो हर एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन हर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो है वो बड़े आराम से ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को ऊपर उठा सकता है और बची हुई एनर्जी ऑफ कोर्स जो बम्बार्ड इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज एटॉमिक कोलिजन में अगर दो एटम्स आपस में एक दूसरे से टकराएं या फिर न्यूक्लियस या फिर कोई न्यूट्रॉन जो है वो अगर एटम से टकराए तो क्या होगा। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का टकराना देखा। इलेक्ट्रॉन जो था वो एटम के मुकाबले काफ़ी हल्का था, तो हमने उसका मोमेंटम जो था वो कंसिडर नहीं किया। लेकिन दो अगर कंपेरेबल मासेस की अगर चीज़ें टकराएंगी तो ऑफकोर्स मोमेंटम में कंसिडर करने पड़ेंगे। तो दूसरा है कोलिजन बिटवीन एटम्स और कोल्यूशन बिटवीन एटम एंड न्यूट्रॉन। तो चलिए देखिए, जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा मान के चल सकते हो कि एक ही लाइन का है। जो भी सवाल होने होंगे वो सिंपली इस एक स्टेटमेंट से होंगे, एंड द स्टेटमेंट इज लाइक दिस कि एटॉमिक कोलिशन के अंदर जो भी एनर्जी का लॉस होगा वो हमेशा एटम को एक्साइट करने के काम आएगा, एंड दैट्स इट। इस स्टेटमेंट के बाद सिर्फ और सिर्फ सवाल बचते हैं और कुछ नहीं। मैं इस स्टेटमेंट को इसलिए वापस से रिपीट करता हूं, एटॉमिक कोलिजन्स के अंदर जो भी एनर्जी का लॉस होगा वो एनर्जी का लॉस हमेशा एटम को एक्साइट करने का काम आएगा। व्हेन आई से एक्साइट करने का काम आएगा, आई मीन दैट कि इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से 2 पर या 3 पर या 4 पर इस तरह से भेजने के काम आएगा। तो बड़ा इस लाइन को लिखेगा, इन एटॉमिक कोलिजन्स any energy loss is used to excite the atom. When I say ki excite the atom, I obviously mean that ki jo electron shuruaat mein n equal to 1 par hai usko n equal to 2 par bhej do ya 3 par bhej do ya 4 par bhej do, so bas इसी स्टेटमेंट से हमारे सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। बाकी थोड़ा ठीक है, जो हम हल्के फुल्के मैकेनिक्स पहले जानते हैं उससे हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं। मैं एक एग्जांपल से बड़ा वाली बात समझा रहा हूं, सुनिए। आपके पास एक न्यूट्रॉन है और इस न्यूट्रॉन के सामने यहां कहीं एक हाइड्रोजन एटम है। कुछ नहीं बोल रखा तो ऑफ कोर्स हाइड्रोजन एटम कहां मानते हैं? ग्राउंड स्टेट पे। अगर कुछ ना बोला होता तब भी हम इसको ग्राउंड स्टेट पे ही मानते हैं, ग्राउंड स्टेट। न्यूट्रॉन का मास भी बेटा एक एटॉमिक मास यूनिट होता है और हाइड्रोजन एटम का मास भी मोर और लेस एक एटॉमिक मास यूनिट के आसपास होता है। तो इसका मास एम, तो हाइड्रोजन एटम का मास भी आप एम मान सकते हो। कहने का मतलब दोनों का मास लगभग लगभग सेम है। इस न्यूट्रॉन को मैंने काइनेटिक एनर्जी दी है के, काइनेटिक एनर्जी दी है के, और हाइड्रोजन एटम जो है वो शुरुआत में एट रेस्ट पे है, शुरुआत में जो है वो एट रेस्ट पे। मेरा सवाल ये है, फाइंड टाइप ऑफ कोलिजन इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज 10 इलेक्ट्रोवोल्ट।
किस तरह का कोलिजन होगा? व्हेन आई से किस तरह का कोलिजन होगा, आई मीन दैट आई वांट टू आस्क, इट इज इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, ये आपको बताना है। अगर के की वैल्यू 10 इलेक्ट्रोवोल्ट है तो चलिए करते हैं ट्राई। ये एम मास का न्यूट्रॉन हाइड्रोजन एटम से टक्कर कर रहा है। इस बात को, इस टक्कर को मैं दो तरीके से स्टडी करना चाहता हूं। एक बड़ा ऑफ कोर्स न्यूटोनियन फिजिक्स से, मतलब सिंपल मैकेनिक्स से, तो जो मैकेनिक्स का व्यू है वो देखता हूं। मैकेनिक्स का व्यू कहता है कि दो सेम मास की बॉडीज के बीच में अगर टक्कर हो रहा है तो इलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है। इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का जो लॉस होगा वो जीरो होगा, और इनइलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है, उसमें ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ लॉस आएगा, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन भी हो सकता है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर आपका जो लॉस है वो सबसे ज्यादा होगा। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, सिंपल मैकेनिक्स से मैं एक बार ये देखना चाहता हूँ कि मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो सकता है। चलिए देखते हैं। ये न्यूट्रॉन है एम मास का, इसके पास सामने की तरफ स्पीड है u। सवाल के हिसाब से अगर देखो तो हाफ एम यू स्क्वायर इज ऑफ कोर्स द काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वैल्यू मैं 10 इलेक्ट्रोवोल्ट दे रखी है। ये जाता है जाता है जाता है, एक m मास के हाइड्रोजन एटम से टक्कर करता है। मुझे मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी अगर निकालना है तो ऑब्वियस बात है कि मुझे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मानना पड़ेगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आप लोग जानते हो कि ये दोनों मासेस जो हैं वो आएंगे, टकराएंगे, चिपक जाएंगे और कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। ये कॉमन वेलोसिटी निकालना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। पूरे सिस्टम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दो। तो जैसे मैंने पूरे पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व किया, आई वुड से कि इसके पास मोमेंटम है एम यू, इसके पास मोमेंटम है जीरो, दैट मस्ट बी इक्वल टू 2m इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। m से m कैंसिल, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास बड़े आराम से आ गया u बाई 2। आपके पास, सिस्टम के पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी बड़ा, वो हाफ एम यू स्क्वायर थी, और अब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो आप कह सकते हो कि वो है हाफ मास कितना बेटा 2m इनटू स्पीड का स्क्वायर, स्पीड है u बाई 2 का स्क्वायर। एज यू कैन सी दैट कि आई थिंक दिस इज एम यू स्क्वायर बाई 4। तो शुरुआत में अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी अगर के थी तो आप देख पा रहे हो कि अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी के बाई 2 है। शुरुआत में सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी के थी, अब काइनेटिक एनर्जी के बाई 2 है, इसका मतलब के बाई 2 एनर्जी लॉस हो गई है। तो इस केस में मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम कितनी एनर्जी लॉस हो सकती है, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम एनर्जी लॉस हो सकती है के बाई 2। तो कुल मिलाकर मैकेनिक्स मुझे बता रहा है, क्या मैकेनिक्स मुझे बता रहा है कि एनर्जी का जो लॉस है वो कोलिजन के अंदर जीरो से लेकर के बाई 2 तक कुछ भी हो सकता है। बड़ा क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट है, इनका अर्थ आप जानते हो। इसका मतलब यह है कि एनर्जी का लॉस जीरो भी हो सकता है अगर इन दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन हुआ तो, के बाई 2 भी हो सकता है अगर आपका कोलिजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हुआ तो। और यह क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट ये कहते हैं कि इनके बीच की भी कोई सी भी वैल्यू पॉसिबल है। आई रियली होप बेटा ये क्लोज ब्रैकेट आप समझते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉस या तो जीरो होगा या के बाई 2 होगा, मैं कह रहा हूं कि जीरो से लेकर के बाई 2 तक लॉस कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग जीरो एंड के बाई 2। इस इन ब्रैकेट्स का बड़ा आपको अर्थ पता होगा। आई मीन टू से इज दैट कि मैकेनिक्स मुझे बता रही है कि इन दोनों के कोलिजन के अंदर एनर्जी का जो लॉस है वो जीरो से लेकर के बाई 2 तक कुछ भी हो सकता है, इंक्लूडिंग जीरो एंड इंक्लूडिंग के बाई 2। दिस इज द कैलकुलेशन बाय मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स इज जस्ट स्टेटिंग दैट कि लॉस ऑफ एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी, एक ही बात है, लॉस ऑफ एनर्जी कैन बी एनीथिंग बिटवीन जीरो टू के बाई 2 इंक्लूडिंग बोथ। और तो और हम ये भी जानते हैं कि अगर एनर्जी का लॉस अगर जीरो हुआ तो पक्की बात है कि हमारा जो कोलिजन है वो इलास्टिक होगा।
अगर एनर्जी का लॉस के बाय टू हुआ तो हम जानते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, इट इज ऑफ कोर्स परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। और अगर एनर्जी का लॉस ना जीरो हुआ ना के बाय टू हुआ बल्कि बीच की कोई वैल्यू हुई तो मैं बोल दूंगा कि दिस काइंड ऑफ कॉलिजन इज नोन एज इन इलास्टिक कॉलिजन। आई रियली होप बेटा आपको मैकेनिक्स में ये तीन तरह के कॉलिजन पहले से पता होंगे। एनर्जी का लॉस अगर जीरो होता है तो उस कॉलिजन को हम इलास्टिक कॉलिजन बोलते हैं। अगर एनर्जी का लॉस अगर बेटा मैक्सिमम होता है तो उसे हम परफेक्टली इन इलास्टिक बोल सकते हैं, और मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में हो तो बेटा उसे हम इन इलास्टिक कॉलिजन बोल सकते हैं। आई होप इट्स ओके, इस बार थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे। लेकिन ये कहानी तो सिर्फ मैकेनिक्स की है। अब क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? अब हम इस बात को चेक करते हैं कि क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि जो भी एनर्जी का लॉस होगा वो हमेशा एटम को एक्साइट करने काम आएगा। ये तो न्यूट्रॉन है, सिर्फ इकलौता न्यूट्रॉन है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं है एक्साइट करने के लिए। हाँ, ये हाइड्रोजन एटम है, ये जरूर इस एनर्जी लॉस्ट को यूज कर सकता है, और यूज करके इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 1 से 2 पर जा सकता है, 3 पर जा सकता है, 4 पर जा सकता है, एंड सो ऑन। तो क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि न्यूट्रॉन को छोड़ो, ये आपका जो हाइड्रोजन एटम है इसके n इक्वल टू 1 पर एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, n इक्वल टू 2 पर एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट, n इक्वल टू 3 पर एनर्जी है -1.51 इलेक्ट्रोवोल्ट, n इक्वल टू 4 पर एनर्जी है -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट, एंड सो ऑन। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि जो भी एनर्जी का लॉस होगा वो या तो इलेक्ट्रॉन को, या तो लॉस ही नहीं होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पड़ा रहेगा, या फिर जो लॉस होगा वो इलेक्ट्रॉन को या तो यहां से उठाकर यहां लाएगा। यहां से लेकर यहां तक लाने के लिए एनर्जी चाहिए 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, या फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाकर यहां पर लाएगा, एनर्जी लॉस होगी ऑफकोर्स दिस माइनस दिस, आई थिंक इट इज 12.09, या फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाकर यहां पर लेके आएगा, दैट विल बी 13.6 में से बड़ा 0.85 माइनस करना कितना आया 12.75, समझ गए, या फिर सो ऑन। तो क्वांटम फिजिक्स मुझे ये कहती है कि जो भी आपका एनर्जी का लॉस है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स एनर्जी का लॉस, कर्ली ब्रैकेट, या आपके स्क्वायर ब्रैकेट थे वो क्या आपका कर्ली ब्रैकेट, या तो एनर्जी का लॉस जीरो होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा ही नहीं, या फिर एनर्जी का लॉस होगा 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, या फिर एनर्जी का लॉस होगा 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट, या एनर्जी का लॉस होगा 12.75 इलेक्ट्रोवोल्ट, सो आई रियली होप कि आप लोग बड़ा इस करली ब्रैकेट का अर्थ समझ गए होंगे। करली ब्रैकेट का अर्थ है कि इनके बीच की जो वैल्यूज हैं वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली ये वैल्यूज ही पॉसिबल हैं और कोई वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। तो जरा ध्यान से देखो तो एक ही एनर्जी के लॉस को हमने दो स्टाइल से निकाला, एक हमने निकाला मैकेनिक्स से और दूसरा हमने निकाला क्वांटम फिजिक्स से। लेकिन एनर्जी के लॉस ऑफकोर्स दोनों से सेम आने चाहिए, दोनों से ही आने चाहिए। तो अब एक काम करते हैं, अब अपने सवाल पे आते हैं। हमारे सवाल में इस पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 10 इलेक्ट्रोवोल्ट दे रखी थी। तो अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं, तो मैकेनिक्स कहता है कि एनर्जी का जो लॉस है वो जीरो से लेकर के बाय टू, मतलब इसका हाफ, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट तक कुछ भी हो सकता है। जीरो से लेकर 5 इलेक्ट्रोवोल्ट तक एनर्जी का लॉस कितना भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, 0.1 इलेक्ट्रोवोल्ट भी हो सकता है, 0.12 इलेक्ट्रोवोल्ट भी हो सकता है, 0.2 इलेक्ट्रोवोल्ट भी हो सकता है, 0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट भी हो सकता है, 4.1 इलेक्ट्रोवोल्ट भी हो सकता है, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैकेनिक्स ये कहता है, और
हमारी क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एनर्जी का लॉस या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा या सो ऑन। अब मैं तुमसे कहूं कि इनमें कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो आप बोलोगे सर यहां पर तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू कॉमन नजर आ रही है, कौन सी? यहां पर जीरो और यहां पर जीरो, दैट्स इट। और कोई वैल्यू कॉमन है ही नहीं इन दोनों में, इन दोनों में किसी प्रकार की कोई और वैल्यू कॉमन है ही नहीं। कौन सी वैल्यू कॉमन है? जीरो वैल्यू कॉमन है। इसका मतलब तय हो चुका है कि इस बार आपका जो एनर्जी का लॉस होगा वो जीरो होगा। और एनर्जी का लॉस जीरो कब होता है? तब आप लोग, एनर्जी का लॉस सर जीरो तब होता है जब कोलिजन किस प्रकार का होता है? इलास्टिक कोलिजन। इट मींस दैट कि आपका जो 10 इलेक्ट्रो वोल्ट है इसके बराबर अगर आपने काइनेटिक एनर्जी अगर न्यूट्रॉन को अगर दी, तो जो भी कोलिजन होगा इट इज गोइंग टू बी मस्ट है कि द कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक। और कोई चारा ही नहीं बेटा, कोलिजन मस्ट बी इलास्टिक। समझ आ गई मेरी बात? एक और सवाल करो, एक और करो। अगला सवाल, वैल्यू चेंज करते हैं, बाकी सारी कहानी बेटा बिल्कुल सेम टू सेम। इस न्यूट्रॉन को इस बार मैंने काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रो वोल्ट ना देकर 20 इलेक्ट्रो वोल्ट दिया। अब बताओ कि इन दोनों के बीच के अंदर जो कोलिजन है वो किस तरह का पॉसिबल है? इलास्टिक, इनइलास्टिक या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक? तो सोचते हैं। मैकेनिक्स कहती है कि एनर्जी का लॉस हम निकाल चुके हैं पूरे मैकेनिक्स लगा के, जीरो से लेकर के बाई टू तक कुछ भी हो सकता है। के बाई टू मतलब न्यूट्रॉन के पास जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसके हाफ तक लॉस कितना भी हो सकता है। तो मैकेनिक्स कह रही है कि जीरो से लेकर 10 इलेक्ट्रो वोल्ट तक न्यूट्रॉन के पास एनर्जी है 20 इलेक्ट्रो वोल्ट, तो जीरो से लेकर 10 इलेक्ट्रो वोल्ट तक एनर्जी का लॉस कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स कह रहा है कि एनर्जी का लॉस या तो जीरो होगा या 10.2 होगा या 12.09 होगा या 12.75 होगा एंड सो ऑन। इन दोनों में मैं आपसे कहूंगी फिर से बताओ कि कौन सी वैल्यू कॉमन है, तो आप बोलोगे सर कोई वैल्यू कॉमन नहीं है जीरो को छोड़ के। इस बार फिर से सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है? जीरो आ रही है। और कॉमन वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो ऑब्वियस बात है कि आपका कोलिजन इस बार सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉसिबल है? इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल है, और कोई कोलिजन पॉसिबल नहीं है, नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं, सवाल में हल्का सा चेंज करता हूं कि अगर मैं न्यूट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी 20.4 इलेक्ट्रो वोल्ट दूं, तो बताओ फाइंड द टाइप ऑफ कोलिजन कि इस न्यूट्रॉन के और हाइड्रोजन एटम के बीच में होने वाला ये जो हेड ऑन कोलिजन है ये किस टाइप का कोलिजन होगा? सोचते हैं। मैकेनिक्स कहती है कि एनर्जी का लॉस जो होगा वो जीरो से लेकर के बाई टू तक कुछ भी हो सकता है। वॉट इज के बाई टू? के बाई टू होगा न्यूट्रॉन की जितनी काइनेटिक एनर्जी है उसका हाफ। बड़ा 20.4 का हाफ क्या होगा? 10.2 इलेक्ट्रो वोल्ट। तो आप कहोगे कि सर मैकेनिक्स कह रही है कि एनर्जी का लॉस जीरो से लेकर 10.2 इलेक्ट्रो वोल्ट तक कुछ भी हो सकता है, और हमारे जो क्वांटम फिजिक्स है वो कह रही है कि एनर्जी का लॉस या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा या सो ऑन। इन दोनों में क्या कोई वैल्यूज कॉमन है? आप बोलोगे हाँ सर इस बार तो दो वैल्यू कॉमन है। जीरो तो हमेशा ही कॉमन आएगा, एक वैल्यू और कॉमन आ रही बेटा, कौन सी? 10.2 इलेक्ट्रो वोल्ट। अगर आपके एनर्जी का लॉस अगर जीरो हुआ तो पक्की बात है कि आपका कोलिजन कौन सा होगा? इलास्टिक। और अगर एनर्जी का लॉस यहां पर बेटा एनर्जी का लॉस 10.2 इलेक्ट्रो वोल्ट भी आ रहा है, और इसके हिसाब से भी एनर्जी का लॉस 10.2 इलेक्ट्रो वोल्ट हो सकता है, ये वाली वैल्यू भी कॉमन है। लेकिन ये जरा सोचो कि ये तो मैकेनिक्स के हिसाब से अगर देखे तो ये तो मैक्सिमम एनर्जी का लॉस है। मैक्सिमम एनर्जी का लॉस कब होता है? इनइलास्टिक कोलिजन में या फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में? तो आप बोलोगे सर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में। तो आप कहोगे सर अगर 10.2 इलेक्ट्रो वोल्ट एनर्जी का लॉस हुआ तो मैं समझ गया कि इस बार आपका जो कोलिजन है वो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो मेरा जवाब ये है कि अगर आपके इस न्यूट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी अगर 20.4 इलेक्ट्रो वोल्ट हुई तो उस केस में आपके एनर्जी का जो लॉस है वो जीरो से लेकर 10.2 इलेक्ट्रो वोल्ट तक कुछ भी हो सकता है। मैकेनिक्स के हिसाब से, क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से इनमें से कोई से भी वैल्यू हो सकती है। कॉमन वैल्यूज दो आई, जीरो वो हमेशा आएंगी, 10.2 इलेक्ट्रो वोल्ट और आई। जीरो है तो कोलिजन क्या होगा? इलास्टिक। और 10.2 मैकेनिक्स के हिसाब से मैक्सिमम एनर्जी लॉस है, वो सिर्फ और सिर्फ कब होती है? वो सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब दोनों पार्टिकल्स आएंगे, टकराएंगे, चिपकेंगे और साथ मूव करेंगे। और आएंगे, टकराएंगे, चिपकेंगे और साथ मूव करेंगे, तो कोलिजन कैसा होगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। इट मींस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ कोलिजंस आर पॉसिबल इफ काइनेटिक एनर्जी इज 20.4 इलेक्ट्रो वोल्ट। सिंपल।
अब कौन सा होगा मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकता, दोनों की प्रोबेबिलिटी है। और अगर ऐसे मान लो हजारों करोड़ों अरबों खरबों एटम्स आपने टकरा दिए तो कुछ एक में कोलिजन इलास्टिक होगा, कुछ एक में कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होगा, है ना, दोनों की प्रोबेबिलिटी रहेगी, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट अगला सवाल, ये बड़ा सवाल है, तुम तो सारे करते रहना। इफ काइनेटिक एनर्जी इज 21 इलेक्ट्रोवोल्ट, बताओ अगर काइनेटिक एनर्जी 21 इलेक्ट्रोवोल्ट है तो कोलिजन किस तरह का होगा, बताइए बताइए। हाँ, अगर न्यूट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी 21 इलेक्ट्रोवोल्ट है तो कोलिजन किस प्रकार का होगा, बताइए। आप बोलोगे सर मैकेनिक्स कह रही है कि एनर्जी का लॉस जीरो से लेकर k/2 मतलब इसका हाफ कितना हो गया 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट तक कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 0 और 10.5, मैं कह रहा हूं 0 से लेकर 10.5 तक कुछ भी एनर्जी का लॉस हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब जानते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट कह रहा है कि एनर्जी का लॉस या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो आपको यहां भी दिखाई दे रही है और यहां भी दिखाई दे रही है। आप बोलोगे सर 0 दिखाई दे रहा है, तो 0 तो हमेशा आएगा, तो बेटा इलास्टिक कोलिजन की तो हमेशा ही प्रोबेबिलिटी रहेगी ही रहेगी, इलास्टिक कोलिजन की प्रोबेबिलिटी तो हमेशा रहेगी। एक वैल्यू आपको और दिख रही होगी जो यहां भी है और यहां भी है, वो है 10.2। तुम कहो सर 10.2 यहां तो दिख रहा है, यहां नहीं दिख रहा, बेटा है ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 10.5 के बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूड कर ली गई हैं, तो 10.5 ऑफ कोर्स बीच में यहां कहीं ना कहीं होगा। ऑफ कोर्स 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट इज लेस देन 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड मोर देन 0 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो ऑफ कोर्स बेटा 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी का लॉस तो हो ही सकता है। भाई इन दोनों के बीच में इलास्टिक कोलिजन होता तो एनर्जी लॉस 0 था, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता तो एनर्जी लॉस 10.5 इलेक्ट्रोवोल्ट था, लेकिन अगर इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो 0 से तो ज्यादा होगा और 10.5 से कम होगा, तो क्या 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट में एनर्जी का लॉस हो सकता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर हो ही सकता है, मैक्सिमम से तो कम है और मिनिमम से ज्यादा है, तो सर ये वाला एनर्जी का लॉस तो हो सकता है। तो यहां और यहां दो वैल्यूज हमें नजर आ गई जो यहां भी हैं और यहां भी है, कौन से 10.2 एंड 0। 0 हुआ तो इलास्टिक कोलिजन, और अगर 10.2 हुआ तो कौन सा कोलिजन? आप बोलोगे सर 0 पर तो इलास्टिक होता है, 10.5 अगर होता तो परफेक्टली इनइलास्टिक होता, ये एनर्जी का लॉस जो ये मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम से कम है लेकिन एनर्जी का लॉस है, एनर्जी का लॉस ना होता तो इलास्टिक, मैक्सिमम एनर्जी का लॉस होता तो परफेक्टली इनइलास्टिक, तो पक्की बात है कि ये है हमारा इनइलास्टिक कोलिजन। तो इस बार हमारे पास एनर्जी के लॉस दो तरह के पॉसिबल हैं, कौन से बेटा इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। आगे चले लास्ट, लो बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी 25.5 इलेक्ट्रोवोल्ट हुई तो एनर्जी का लॉस क्या होगा, सॉरी एनर्जी का लॉस नहीं, कोलिजन किस तरह का होगा। सवाल बड़ा कॉमन ही है, फाइंड टाइप ऑफ कोलिजन इफ के इज 25.5 इलेक्ट्रोवोल्ट, अभी कर देंगे। मैकेनिक्स कहती है कि एनर्जी का जो लॉस है वो 0 से लेकर k/2, बेटा इसका k/2 करना 25.5 डिवाइड बाय 2, बेटा शायद 12.75 आ गया होगा, 0 से लेकर 12.75 इलेक्ट्रोवोल्ट तक कुछ भी एनर्जी का लॉस हो सकता है, ठीक है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एनर्जी का लॉस या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक। क्या आपको कुछ वैल्यूज ऐसी दिख रही हैं जो यहां भी हो और यहां भी हो? जो समझदार बच्चा हो कहेगा सर 4 वैल्यूज कॉमन दिख रही है मेरे को, 4 वैल्यूज हैं जो यहां भी हैं और यहां भी हैं, बारी बारी से बताओ कौन से है।
सबसे पहले जीरो यहां, जीरो यहां, वो तो हमेशा होगा, तो इलास्टिक कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी तो है। 10.2 इलेक्ट्रोवोल्ट यहां भी है और यहां भी है, यहां तो लिखा हुआ है, यहां पर 10.2 कहां पर है? तो आप बोलोगे सर ये तो स्क्वायर ब्रैकेट है, इट मींस दैट 0 से लेकर 12.75 के बीच के सारी वैल्यूज हैं, तो ऑफ कोर्स 10.2 यहां भी होगा, यहां भी होगा। लेकिन अगर 10.25 एनर्जी का लॉस अगर होगा तो दिस इज नाइदर द मिनिमम नॉर द मैक्सिमम, सो ऑफ कोर्स इट इज इनइलास्टिक कॉलिजन, तो इनइलास्टिक कॉलिजन पॉसिबल है। इसी तरह से आपको इसमें और इसमें 12.09 इलेक्ट्रोवोल्ट भी नजर आ रहा होगा, दोनों में नजर आ रहा होगा, यहां पर तो 12.09 लिखा हुआ है और यहां पर 12.09 ऑफ कोर्स बीच में कोई वैल्यू तो आएगी आएगी, 0 से लेकर 12.75 के बीच में 12.09 तो आएगी आएगी। तो आप कह सकते हो कि सर 12.09 भी एनर्जी का लॉस हो सकता है, 12.09 अगर एनर्जी का लॉस हुआ, दिस इज नाइदर द जीरो नॉर द मैक्सिमम, सो द कॉलिजन कैन बी इनइलास्टिक। तो आप कह सकते हो कि सर इस केस में भी हमारा जो कॉलिजन होगा वो इनइलास्टिक कॉलिजन होगा। और लास्ट 12.75 यहां भी है, 12.75 यहां भी है, बट दिस 12.75 इज द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी लॉस। मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी लॉस ऑब्वियसली मीन्स दैट दीज टू पार्टिकल्स हैज स्टिक टुगेदर एंड ऑफ कोर्स द कॉलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो अगर एनर्जी का लॉस मैक्सिमम है 12.75 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो ये आपका एक परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। तो इसका मतलब अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 25.5 इलेक्ट्रोवोल्ट है, न्यूट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी वैल्यू अगर 25.5 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो तीनों तरह के कॉलिजन पॉसिबल हैं, इलास्टिक भी, इनइलास्टिक भी और परफेक्टली इनइलास्टिक भी। और किस किस इनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी वो हम जरूर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों कॉलिजन पॉसिबल है। और आपने ये तो नोटिस कर लिया होगा कि इलास्टिक कॉलिजन तो हमेशा ही पॉसिबल है, क्योंकि जीरो तो हमेशा ही कॉमन आएगा, चाहे आप मैकेनिक्स से निकालो चाहे आप क्वांटम फिजिक्स से निकालो। यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। हम और भी सवाल कर लेते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जो भी एनर्जी का लॉस होगा एटॉमिक कोलिजन के अंदर, वो हमेशा एटम को एक्साइट करने के काम आएगा। इसके अलावा और कोई बात जानने की जरूरत नहीं है, फिर तो बस सिर्फ और सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आगे चलिए, कोलिजन पे ही एक छोटा सा सवाल और करते हैं। हमारे पास एक न्यूट्रॉन है और हीलियम का आयन है Hc+। न्यूट्रॉन का मास बेटा 1 AMU के आसपास रहता है और हीलियम आयन जो उसका मास लगभग 4 AMU के आसपास रहता है, इसलिए मैंने इसका मास m लिख दिया, तो इसका मास 4m लिख दिया। न्यूट्रॉन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह है नहीं, लेकिन हीलियम आयन के पास तो ऑफकोर्स एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी ग्राउंड स्टेट पर है, n=1 पर घूम रहा है। ठीक है, हीलियम जो है वो शुरुआत में इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे है, उस पर न्यूट्रॉन आकर टकराता है, न्यूट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी के है। मुझसे सवाल में पूछा गया है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ के सच दैट परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इज पॉसिबल बिटवीन न्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन और हीलियम न्यूक्लियस के बीच में परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होने के लिए k की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए, सोचते हैं। पहले तो इस सारे के सारे सिचुएशन को मैकेनिक्स से सोचते हैं, फिर क्वांटम फिजिक्स से सोचते हैं। मैकेनिक्स कहेगा कि लॉस जो है वो जीरो से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कुछ भी हो सकता है। जीरो जब जब कोलिजन इलास्टिक हो, मैक्सिमम जब जब परफेक्टली इनइलास्टिक हो। तो एक काम करते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक वाले सिचुएशन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप ड्रॉ करोगे तो कहानी कुछ ऐसी होगी, m मास का न्यूट्रॉन है, स्पीड है सामने की तरफ u, मैं कह सकता हूं कि हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। ये जाता है जाता है जाता है और 4m मास के हीलियम से टक्कर करता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आएंगे, टकराएंगे, चिपकेंगे और कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। काश हम ये कॉमन वेलोसिटी लिख पाए। कॉमन वेलोसिटी लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक मोमेंटम कंजर्वेशन करने की जरूरत है। इनिशियल मोमेंटम न्यूट्रॉन के पास तो ये, हीलियम के पास जीरो।
बाद में दोनों चिपक कर बड़ा साथ मूव करने लग गए तो कॉमन वेलोसिटी आपके पास आ गई है u बाई फाइव। आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो थी वो हाफ एम यू स्क्वायर है जो हमें k दे रखी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है तो आप हो गए सर हाफ, मास 5m है और वो कुल मिलाकर कितनी स्पीड से भाग रहे हैं तो मेरे पास ये आ गया एम यू स्क्वायर बाई 10। अगर ये k है तो ऑफकोर्स बड़ा ये k बाई 5 है। तो आपसे मैं पूछूं कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है एनर्जी का, तो आपको उसे मैक्सिमम लॉस तब होता है जब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है और उस केस में ऑफकोर्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है, बाद की काइनेटिक एनर्जी k बाई 5 है, तो ये आपके पास आ गया 4k/5। सो मैकेनिक्स इज टेलिंग मी कि जो भी एनर्जी का लॉस है वो स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेकर 4k/5 तक कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। अगर 0 हुआ तो ऑफ कोर्स कॉलिजन विल बी इलास्टिक, 4k/5 हो सकता है, 4k/5 हो तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, और इनके बीच की कोई अगर वैल्यू हुई तो ऑफ कोर्स इन इलास्टिक कॉलिजन। ये तो बात है मैकेनिक्स की। यही बात अगर हम क्वांटम फिजिक्स से करते हैं तो जो भी भाई स्टेटमेंट भाई कॉलिजन में मैंने आपको याद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या बताया, एक ही तो स्टेटमेंट था जो मैंने आपको याद करने के लिए कहा कि बेटा ये याद कर लो काम बन जाएगा, और वो ये था कि जो भी एनर्जी का लॉस होगा वो हमेशा एटम को एक्साइट करने काम आएगा। यहां पर ऑफ कोर्स न्यूट्रॉन तो एक्साइट हो नहीं सकता, उसके चारों तरफ तो कोई इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा, ये जो Hc प्लस है इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 2 पर 3 पर 4 पर जा सकता है। तो क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है सुनते हैं। इलेक्ट्रॉन हीलियम में अगर n=1 पर चिल मचा रहा है तो उसके पास एनर्जी होगी -13.6 × Z² / 1² 13.6 × 4 -54.4 eV. n=2 पर एनर्जी कितनी होगी, दैट इज -13.6 × Z² / n² -13.6 eV. n=3 पर एनर्जी क्या होगी, दैट इज -13.6 × 2² / 3² बड़ा मेरे ख्याल से रफली -6.04 के आसपास। n=3 पर हो गया, n=4 पर अगर मुझसे पूछ ले कि एनर्जी क्या होगी, अब क्वांटम फिजिक्स मुझे ये कहता है कि जो भी आपकी एनर्जी का लॉस हुआ वो इस इलेक्ट्रॉन को उठा सकता है, या तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो यहां से यहां जाएगा, वही एनर्जी का लॉस, सेम एनर्जी का लॉस इज यूज्ड टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n=1 to n=2। हाउ मच एनर्जी इट रिक्वायर्ड, ऑफकोर्स दिस माइनस दिस, बड़ा माइनस करना 54.13 -13.6 में से -15.4 माइनस करना, कितना है बेटा 40.8, या फिर इस इलेक्ट्रॉन को बड़ा शायद n=3 पर ले जाएगा, बड़ा देखना कितना करूं माइनस, फोर्टी एट पॉइंट थ्री सिक्स
या इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ लेके जाएगा, कितने बना 51 एंड सो ऑन। नाउ क्वांटम फिजिक्स इज सेइंग दैट कि जो भी एनर्जी का लॉस होगा, कर्ली ब्रैकेट इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यूज पॉसिबल है और कोई वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, जो भी एनर्जी का लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा ही नहीं तो एनर्जी का लॉस विल बी जीरो, और इट विल बी आइदर 40.8 और 48.36 और 51 सारे इलेक्ट्रोवोल्ट हैं एंड सो द सेम लॉस ऑफ एनर्जी बाय मैकेनिक्स इज दिस, द सेम लॉस इन एनर्जी इज ऑफ कोर्स गिवन बाय दिस। अगर बेटा दोनों में एनर्जी लॉस सेम है तो कुछ वैल्यूज कॉमन होनी चाहिए, एक तो जीरो कॉमन है। अरे भाई जीरो कॉमन होगा तो कोलिजन कैसा होगा? इलास्टिक तो पता ही है कि बेटा इलास्टिक कोलिजन तो होगा ही होगा। सवाल में लिखा हुआ है कि मुझे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन चाहिए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन चाहिए तो दिस शुड मैच, ये जो मैक्सिमम एनर्जी का लॉस है इट शुड मैच विथ आइदर दिस और दिस और दिस और दिस एंड सो ऑन। और बेटा अगर ये इनमें से किसी से भी अगर मैच कर जाएगा तो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। लेकिन मुझे पूछा गया है कि के की मिनिमम वैल्यू, तो इसको मैच करा दो इसके साथ, भाई जीरो पर तो इलास्टिक था ना इसलिए, तो इसको मैच करा दो 40.8 से, मेरे पास आ गया है 4k/5 इज इक्वल्स टू 40.8 इलेक्ट्रोवोल्ट। मेरे पास काइनेटिक एनर्जी वैल्यू आ गई है 40.8 इंटू 5/4। बड़ा मेरे ख्याल से 51 इलेक्ट्रोवोल्ट बड़ा आपका आंसर आ गया होगा, 51 इलेक्ट्रोवोल्ट बड़ा आपका आंसर आ गया। बढ़िया आंसर। कितने ही सवाल कर लो बेटा, लेकिन कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट ही होंगे, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं बेटा वो सिर्फ और सिर्फ एक था कि जो भी एनर्जी का लॉस होगा वो हमेशा इस तरह से आपके एटम को एक्साइट करके इलेक्ट्रॉन को 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 भेजने के काम आएगा। और जितने भी सवाल होंगे वो सारे सारे सिर्फ इसी फंडे से, मतलब एटॉमिक कोलिजन वाले जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे इसी फंडे से बड़े आराम से हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज हाइपोथेटिकल मॉडल्स बेस्ड ऑन बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सवाल है, मैंने बल्कि ऐसे हेडिंग लिख दी हो, लेकिन ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सवाल है जिसके अंदर आपको एक नया अरेंजमेंट दे रखा होगा, नया फोर्स का एक्सप्रेशन या फिर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दे रखा होगा, और ये बोल रखा होगा कि इस अरेंजमेंट के अंदर अगर बोर्स क्वांटाइजेशन रूल, बोर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल अगर वैलिड होता तो किस किस तरह के रेडियस आते, किस किस तरह की स्पीड आती, किस तरह के एनर्जी लेवल्स आते वगैरह वगैरह। तो इस टाइप के जो सवाल हैं, चाहे जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, रिपीटेडली पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि मुझे कई बार ऐसा लगता था कि थोड़ा टफर साइड का ये सेक्शन है, तो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ एडवांस में इसके सवाल पूछे, लेकिन मैंने लास्ट एक दो साल में देखा कि इस पर सवाल जेईई मेन के अंदर भी पूछे गए हैं। सो सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, और दो सवाल से मैं आपको बड़े आराम से बता सकता हूँ कि इस तरह के सवालों को किस तरह से निपटाना है और उनकी लैंग्वेज कैसे कैसे लिखी आती है। मैं फिर से बोलता हूँ इस बात को कि सवाल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी का या फोर्स का एक्सप्रेशन दे रखा होगा नया ही, और ये कह रखा होगा कि इसके अलावा जो बोर्स एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल है वो भी वैलिड है, तो बताओ कौन से पॉसिबल रेडियाई हैं, कौन से पॉसिबल वेलोसिटीज हैं, कौन से पॉसिबल काइनेटिक एनर्जीज, कौन से पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी, और कौन से पॉसिबल एनर्जीज हैं। इस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं बड़े आराम से और पूछे गए हैं, चाहे IITs के एग्जाम हो, चाहे आपके बिट्स का एग्जाम हो, चाहे आप जेई का मेन का एग्जाम हो, सब में ही इस तरह के सवालों को रिपीटेडली पूछा गया है। और अगेन जेई एडवांस में तो आप इवन इस पर एक बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंशन कभी ना कभी आने वाले सवालों में एक्सपेक्ट भी कर सकते हो। तो चलिए सुनिए, मैं एक सवाल के थ्रू समझा रहा हूं इस बात को। पोटेंशियल एनर्जी इन ए रीजन is given as U is equals to KR square. K is some positive constant and R is distance
फ्रॉम ऑरिजिन, आर जो है बेटा वो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मास एम इज इन दिस रीजन परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इफ पार्टिकल फॉलोज। अब ये बड़ा, अभी तक जो ऊपर की बात लिखी हुई है इसका हमारे मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर वाले जो बातें वो सिंपल मैकेनिक्स हैं। अब है हमारे काम की बात मॉडर्न फिजिक्स वाले। इफ पार्टिकल फॉलोज एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल, बेटा तुम पूरा लिख लेना एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल, देन फाइंड इट्स पॉसिबल रेडियाई, बेटा इट्स पॉसिबल रेडियाई मतलब जिस बात में जा रहे हैं उनकी रेडियाई, देन फाइंड इट्स पॉसिबल रेडियाई स्पीड्स काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। चलिए करते हैं, मैं इस बात को बिल्कुल शुरू से समझाता हूं और खास तौर से मैकेनिक्स वाला पोर्शन शुरुआत से समझाता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल तो तुम बिल्कुल तैयार बैठे हो लगाने के लिए, सिर्फ जो मैकेनिक्स वाला पोर्शन है वो देखना। स्पेस है बेटा, उस स्पेस के अंदर आपके पास लेट से ये ऑरिजिन, ये ऑरिजिन हमें ये बोल रखा है कि यहां से आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर यहां 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 हर जगह पोटेंशियल एनर्जी सेम है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल के एक्सप्रेशन में दे रखा है U इज इक्वल्स टू के आर स्क्वायर, कि सेंटर से आर डिस्टेंस दूर यहां 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 हर जगह पोटेंशियल एनर्जी सेम है। पोटेंशियल एनर्जी अगर सेम है तो ऑफकोर्स बेटा ये आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो आपको याद होगा कि जो फोर्स होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के, जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो आपका अगर ये एक तरह से अगर मान लीजिए बड़ा सर्कल टाइप है तो ऑफकोर्स आपका जो फोर्स होगा वैसे रेडियल टाइप होगा, फेयर एनफ। एक बात और, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे बेटा मान लीजिए कि मैंने एक ऐसा ही सर्कल और बना दिया, यहां पर आर की वैल्यू ज्यादा है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। आपको याद होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, दो बातें बोल चुका हूं, पहली बात ये कि ऐसे अगर मैंने सर्कल बनाया तो हर जगह आपका पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो या तो फोर्स रेडियली इनवर्ड्स होगा या रेडियली आउटवर्ड्स होगा। फिर मैंने अगली बात ये बोली कि रेडियस कम पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, रेडियस ज्यादा पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, एंड वी नो दैट कि कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो फोर्स शुड नॉट बी लाइक दिस, फोर्स शुड बी लाइक दिस। तो इस पूरे के पूरे रीजन में आप कह सकते हो कि कोई ना कोई कंजर्वेटिव फोर्स है जो ऐसे रेडियली इनवर्ड्स है, कोई ना कोई फोर्स है। सर काश मुझे उस फोर्स की वैल्यू पता होती, बिल्कुल पता लग जाएगी। उस फोर्स को हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इट इज ऑलवेज माइनस डी यू बाई डी आर। आई रियली होप आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा, जैसे माइनस डी यू बाई डी आर किया मेरे पास ये आ गया माइनस टू ए आर। माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि फोर्स जो है वो आर वेक्टर की तरफ नहीं है, आर वेक्टर के अपोजिट है। फोर्स के अगर मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो आप कह सकते हो कि फोर्स की जो वैल्यू है वो आपके पास 2ar है, फेयर एनफ। अब सवाल के हिसाब से अगर देखें तो एक m मास का पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेट्स से वेलोसिटी v है। आप बोलोगे सर बिल्कुल ये तो सर्कुलर मोशन करने के लिए आइडियल कंडीशन है, फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ है और m मास का पार्टिकल अगर v वेलोसिटी से अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ उसे एक्सेलरेशन चाहिए। दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, एंड वी नो दैट कि दैट सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कैन बी प्रोवाइडेड बाय दिस फोर्स। हमारे कूलम्ब्स लॉ के
हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही वाला फोर्स कौन प्रोवाइड कराता था? वो ऑफ कोर्स प्रोटॉन और उस इलेक्ट्रॉन के बीच का कूलम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता था। ग्रेविटेशनल फोर्स में ये वाला फोर्स कौन प्रोवाइड कराता था? तो वजह वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता होता है। यहां पर बढ़ाओ कोई नया फोर्स आ गया, आई डोंट नो, जैसा सवाल में दे रखा था उससे हमने फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल लिया। यहां पर कोई मुझे कहे कि सर न्यूटन लॉ लगाओ, बिल्कुल लगाएंगे। न्यूटन लॉ सेज दैट कि अंदर की तरफ फोर्स है, दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स है टू के आर। फोर्स कितना है? 2kr, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज योर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। वी और आर दोनों पूछ रखे हैं, कौन से पॉसिबल रेडियाई हैं वो बताओ, कौन से पॉसिबल स्पीड्स हैं वो बताओ। ना तो मुझे वी पता ना मुझे आर पता, दोनों पता करने। वी और आर दो अननोन हैं, उनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन। पहली तो ये, दूसरी कौन सी? दूसरी बेटा सवाल में चीख चीख कर बोल रखा है एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल। मैं नहीं बोल रहा हूं, सवाल में लिखा हुआ है कि सवाल में यह लिखा हुआ है कि जो हमारा बोर्स पोस्टुलेट था उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल तुम लगा सकते हो। सवाल में बोल रखा है, तो मैं कहूंगा कि इस सेंटर के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम, आई नो दैट कि एंगुलर मोमेंटम इज mvr, एंड हमें सवाल में बोल रखा है कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल या फिर बोर्स पोस्टुलेट लगा सकते हो, तो mvr शुड बी इक्वल टू nh अपॉन 2π। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं है कि इस तरह का एक्चुअल कोई एक्चुअल मॉडल नेचर में है या नहीं है। मैंने तो सिर्फ वो किया जो सवाल के अंदर लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि यार ये वाला पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने उससे फोर्स निकाल लिया। इन्होंने कह रखा था कि इस फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो मैंने फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिख दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एंगुलर मोमेंटम और क्वांटाइज्ड है इसका और बोर्स पोस्टुलेट वैलिड है, तो मैंने कहा ठीक है mvr इक्वल्स टू nh अपॉन 2π। दीज आर टू इक्वेशंस, टू अननोन्स। अगर आप वी को उड़ाओगे आर जाएगा, आर को उड़ाओगे तो V आ जाएगा, आपका काम बड़े आराम से बन जाएगा। मैं यहां से लिख सकता हूं 2kr square is equals to m v square, v square can be written as n square h square upon 4π square upon m square r square। और हमारे पास बड़ा देखना आर की पावर 4 आ गई है, एच स्क्वायर एन स्क्वायर, एच स्क्वायर एन स्क्वायर, नीचे क्या आ गया 8π स्क्वायर एम के। तो रेडियस की मेरे पास वैल्यू आ गई बेटा एच स्क्वायर अपॉन 8π स्क्वायर एम के की पावर 1/4 इंटू रूट एन। ये पॉसिबल रेडियाई है। एन इक्वल टू 1 रखोगे तो पहला पॉसिबल रेडियाई आ जाएगा, एन इक्वल टू 2 रखोगे तो दूसरा पॉसिबल रेडियाई आ जाएगा, एन इक्वल टू 3 रखोगे तो तीसरा पॉसिबल रेडियाई आ जाएगा, एन इक्वल टू 4 रखोगे तो फोर्थ पॉसिबल रेडियाई आ जाएगा। तो बड़ा हमारे पास ये आंसर आ गया बड़ा आर की पावर 4। बेटा मैंने एच स्क्वायर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर ने बाहर निकाल लिया, एम ठीक है, नीचे 4π स्क्वायर ठीक था, एक एम रह गया, किया गया, बढ़िया। ये एन है बेटा, ये एन, ठीक है बच्चों। पॉसिबल रेडियाई आ गया, मुझसे पूछा है पॉसिबल स्पीड से बताओ, बता देंगे क्यों नहीं बता देंगे? मुझे अगर स्पीड निकालनी है तो बड़ा मैं इनमें से किसी एक एक्सप्रेशन में रख दूं, यहां रख दूं, मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2π एम आर। आर को मैं लिख सकता हूं ये लो बेटा, सॉल्व वॉल तो बेटा करते रहना, ठीक है बेटा। वी की वैल्यू आ गई है एच अपॉन 2π एम बेटा, ठीक है। सिंप्लीफाई वगैरह तो करते रहो, मुझे इतना इश्यू नहीं है उसमें।
ये बेटा आपके पास स्पीड आ गई। मुझसे पूछा है कि अलग, अच्छा बेटा ये अलग अलग एन के लिए अलग अलग स्पीड है, अच्छी बात है। मुझसे पूछा कौन से काइनेटिक एनर्जीज होंगी, बेटा काइनेटिक एनर्जीज होंगी हाफ एम वी स्क्वायर, बेटा करना चला है स्क्वायर, स्क्वायर करना, इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आएगा एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो एन आ जाएगा, और बेटा यहां पर क्या लिख सकते हो एट पाई स्क्वायर एम के अपॉन एच स्क्वायर का रूट। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई करना चाहो कर लेना, बाकी मैं तो ऐसे ही छोड़ रहा हूं। ये आपकी पॉसिबल काइनेटिक एनर्जीज आ गई। एन की वैल्यू को वन रखोगे तो एन इक्वल टू वन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो 2, 3, 4, 5 सब की आ सकती है। मुझसे पूछ रखा है टोटल एनर्जी क्या होगी, बेटा उसके लिए मुझे पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी होगी। पोटेंशियल एनर्जी मुझे दे रखी है के आर स्क्वायर, के ठीक है बेटा ये आर हम अब निकाल चुके हैं उसको पुट कर दो, मैंने उसको लिखा तो मेरे पास आ गया के एन एच स्क्वायर अपॉन एट पाई स्क्वायर एम के की पावर हाफ, दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी। सर व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी विल बी ऑफ कोर्स दिस प्लस दिस। सिंप्लीफाई तुम लोग कर लेना यार, सिंप्लीफाई बेटा तुम लोग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों सिंप्लीफाई कर लेना, रूट वूट को बेटा इस तरह से मैनेज कर लेना और सिंप्लीफाई करना चाहो कर लेना। ये आपकी टोटल एनर्जी आएगी दिस प्लस दिस, ये आपकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई एक्चुअल मॉडल है, यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ जो मॉडर्न फिजिक्स से एक चीज सीख रखी थी कि बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल वो लगा दिया, बाकी तो ठीक है बेटा जो अपनी सिंपल मैकेनिक्स थी वो है। फेयर एनफ। चलिए बच्चों एक ऐसा टफ सा सवाल और करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा और कुछ भी सीखेंगे। एक ऐसा ही टफ सा सवाल और देखते हैं। इस सवाल के अंदर बेटा हम थोड़ा बहुत जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस चैप्टर में चीजें पढ़ी थी उसका भी एप्लीकेशन है, और ऑफ कोर्स हमारे यहां का भी कोई ना कोई यूज तो है, जो हमने यहां पर बोर्स मॉडल पढ़ा है उसका भी यूज तो है। सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास इस तरह से बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, यहां कहीं कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका चार्ज है माइनस ई और मास है एम, मैंने इसको ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मतलब बोर्ड के प्लेन में इस तरह से कोई ना कोई वेलोसिटी दे दी है, वी ऐसे बी ऐसे वी क्रॉस बी चार्ज है नेगेटिव तो फोर्स लगेगा इधर, यू नो इट वेरी वेल कि इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसकी रेडियस वेडियस बड़ा हमें सब चीजें पहले से पता है, रेडियस कितना होगा कैसे होगा इस बात का हमने बढ़िया से पोस्टमार्टम कर रखा है। लेकिन अब इस सवाल के अंदर एक नया पेंच फंसा रखा है जानबूझ के, मैं ऐसा नहीं कहता कि ऐसा एक्चुअल लाइफ में होता है, एक्चुअल लाइफ में वही होता है जो हमने ईएमएफ चैप्टर में पढ़ रखा है, हमने रेडियस वगैरह के फॉर्मूले याद कर रखे हैं, स्पीड वगैरह के फॉर्मूले, टाइम पीरियड के, ओमेगा के सारे फॉर्मूले याद कर रखे हैं। इस सवाल में जानबूझ के ये लिखा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन किसी रेडियस में घूम रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उन रेडियस में ही घूम पाएगा जो रेडियस बोर्स पोस्टुलेट को फॉलो करता होगा, मतलब जिसके अंदर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल लगता होगा। सर क्या ऐसा एक्चुअल लाइफ में होता है क्या? सर अगर ऐसा एक्चुअल लाइफ में होता है तो जब आपने ईएमएफ के अंदर हमें इतना सब कुछ पढ़ाया था उस टाइम क्यों नहीं बताया? बेटा नहीं होता ऐसा एक्चुअल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में तो इलेक्ट्रॉन हर तरह के रेडियस में घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और हमने जो पढ़ा था बिल्कुल सही पढ़ा था। इस सवाल में लिखा हुआ है, ये थ्योरी नहीं है, ये सवाल है, सवाल में लिखा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हर पॉसिबल रेडियस में नहीं घूम सकता, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पॉसिबल रेडियस में घूम सकता है जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करती हो, बोर्स पोस्टुलेट को फॉलो करती हो। ऐसा रियल लाइफ में नहीं है, ऐसा सिर्फ इस सवाल में लिखा हुआ है। तो लिखिए this electron will perform uniform circular motion only in the paths which follow
बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल, बोर्स पोस्टुलेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल, देन फाइंड बड़ा मेन चीज तो रेडियस और स्पीड निकालना है, लेकिन मैं और भी आपसे आगे दो चार बातें पूछूंगा, ठीक है, ऐसे हल्का फुल्का रिवीजन भी हो जाएगा। देन फाइंड पॉसिबल रेडियाई ऑफ पाथ्स स्पीड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑफ कोर्स टोटल एनर्जी। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलना इतना अच्छा नहीं, क्योंकि बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी इंटरेक्शन की होती है, लेकिन ठीक है ऐसा भी लिखा आता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो इंटरेक्शन है उस इंट्रैक्शन की पोटेंशियल एनर्जी होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि ऐसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऐसा लिखा रहता है, तो मैंने भी लिख दिया, ठीक चलता है इतना तो। चलिए बच्चों, हालांकि पहले इक्वेशन आपको पता है बट मैं फिर भी डिराइव कर रहा हूं। वेलोसिटी ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, वी क्रॉस भी आएगा ऐसे, तो फोर्स आएगा ऐसे। इस फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं चार्ज इंटू स्पीड, बेटा मैं स्पीड वी मान लेता हूं, इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज 90। एंड दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन इफ इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस आर, इट मस्ट बी हैविंग एन एक्सलरेशन वी स्क्वायर बाई आर टुवर्ड सेंटर, दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन। V से V कैंसिल हो गया और R इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन ई बी, दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन। बच्चे बोलेंगे सर तो पहले से याद था, हमने EMF चैप्टर के अंदर मैग्नेटिक फोर्सेज चैप्टर में सब पढ़ रखा है कि रेडियस की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी आता है, सर पता नहीं मैंने निकाल दिया बेटा, ठीक है मेरे को याद नहीं तो मैं लगा दिया, ठीक है। वहां पर हमने देखा था कि हाँ जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा रेडियस, सारे रेडियस पॉसिबल है। यहां पर बोला है कि नहीं 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 नहीं, सारे रेडियस पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वही रेडियस पॉसिबल है जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल फॉलो करता है, तो ठीक है सवाल में लिखा तो मान लेते हैं। तो आखिर सेंटर से देखे तो इसका एंगुलर मोमेंटम है कितना, ये मेरे पास पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन आ गई एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल। सेंटर से देखने पर इसका एंगुलर मोमेंटम आ रहा है एम वी आर, और सवाल के हिसाब से देखे तो इट शुड बी इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। इस चैप्टर का, मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ ये कॉन्सेप्ट लगना था इस सवाल के अंदर, और कुछ नहीं है। बाकी सारे कॉन्सेप्ट बड़ा वही न्यूटन्स लॉ और बड़ा क्या कहते हैं उसको जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में पढ़ रखा है वो सब कुछ है। वी और आर दो अननोन है, सॉल्व कर लो। जैसे बड़ा मैं इस एम वी को उठा के यहां लिख दूं, इस एम वी को मैं लिख सकता हूं बड़े आराम से ई बी आर, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। मेरे पास रेडियस का आंसर आ गया बेटा, रेडियस का आंसर आ गया एन एच अपॉन टू पाई ई बी का रूट। एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, तो अलग अलग ऑर्बिट्स का रेडियस आ जाएगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। पहला वाला सवाल तो हो गया। सर स्पीड बताओ, बड़ा स्पीड बता देंगे, इस आर को उठा के बड़ा यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, किसी में रख दो। मेरे पास स्पीड आ गई है ई बी आर अपॉन एम, आर कितना है एन एच अपॉन टू पाई ई बी, तो स्पीड आ गई मेरे पास, अलग अलग पॉसिबल जो स्पीड्स हैं ऑर्बिट्स में बड़ा स्पीड आ गई है। ई बी तो बड़ा अंदर आ जाएगा रूट ऑफ एन एच ई बी अपॉन टू पाई ये बड़ा स्पीड है। काइनेटिक एनर्जी पूछी बेटा इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जीज ऑफ कोर्स
हाफ एम स्पीड का स्क्वायर, एन एच ई वी अपॉन टू पाई एम। ये बेटा आपके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। एन इक्वल टू वन पे इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया तो एन इक्वल टू वन रख दो, टू पर थ्री पर फोर। ये तो आसान थे सारे। मुश्किल पोटेंशियल एनर्जी है। सर किस बात की पोटेंशियल एनर्जी है? जिन बच्चों को भी हल्का फुल्का EMF याद होगा उनको बड़ा पता है कि मैं किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी यहां पर चार्ज पार्टिकल की और मैग्नेटिक फील्ड की जो इंट्रैक्शन है उसके कारण कैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाला करते थे। जिनको नहीं याद है उनको धीरे धीरे आ जाएगा बेटा। जो इलेक्ट्रॉन है आपका वो हमने देखा कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे भाग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे भाग रहे हैं तो ऑफकोर्स एक तरह से करंट जा रहा है। काश हम एक करंट बता पाए। तो बच्चे सर करंट हो सकता है कितना चार्ज भाग रहा है? ई चार्ज भाग रहा है हर टाइम पीरियड टी में। टाइम पीरियड को हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चार्ज पार्टिकल को भाग कर बेटा पूरा चक्कर काटने में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। कितनी स्पीड से? वी से। ये करंट आ गया। अगर ये करंट आ गया तो ऑफ कोर्स इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट का एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया बाहर की तरफ। डॉट लगा दो ना बाहर के लिए। उस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हुआ करता था करंट इंटू एरिया। करंट है ईवी अपॉन टू पाई आर, एरिया है ऑफ कोर्स पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई आर से आर। मेरे पास आ गया ईवी आर अपॉन। ईवी आर अपॉन ये मेरे पास मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। बच्चे बोले से पोटेंशियल एनर्जी पूछिए। बड़ा पोटेंशियल तो बड़ा पता है आपको याद है या नहीं है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। कोई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हो तो उनके बीच पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला हुआ करता था, माइनस एम बी कॉस थीटा माइनस एम। एम है ई वी आर अपॉन टू बी मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, कोस पाई बड़ा माइनस ही। मेरे पास आ गया दैट इज ई वी आर बी अपॉन ई बी बाई टू। तो ठीक है बेटा ये वी इन टू आर तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमने एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन रूल में कहा था कि एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई। तो v into r को मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं nh अपॉन 2 पाई है। और वैसे अगर लिखना चाहो तो v लिख ही रखा है r लिख ही रखा है, मल्टीप्लाई कर दो वही आएगा जो मैं लिख रखा है। यहां से बड़ा मेरे ख्याल से पोटेंशियल एनर्जी आ गई। बड़ा कितनी आ गई है? एन एच ई बी अपॉन फोर पाई। ओ बड़ा काइनेटिक एनर्जी मैंने हाफ एम वी स्क्वायर किया तो वन बाई टू और वन बाई टू वन बाई फोर है, सॉरी वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। बड़ा ये काइनेटिक एनर्जी। सारी चीजें आसान थी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। और डिफिकल्ट इसलिए थे कि बड़ा कॉन्सेप्ट जो था ना ये थोड़ा सा पुराना आ गया। ये हमने EMF में पढ़ा था, थोड़ा पुराना तो हो ही चुका, डेढ़ एक महीने के आसपास था, महीने भर पुराना तो होगा आई होप। लेकिन आपको याद आ गया कब तक, इसी बहाने रिविजन भी हो गया। और मुझसे पूछा है टोटल एनर्जी कितनी होगी? बड़ा टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एन एच ई बी अपॉन फोर पाई एम प्लस एन एच ई बी अपॉन फोर पाई एम। बड़ा आंसर आ गया एन एच ई बी अपॉन टू पाई एम। दोनों को ऐड किया तो ये आपकी टोटल एनर्जी।
बढ़िया आंसर, बढ़िया आंसर, आई होप इट्स ओके, आगे चल सकते हैं। चलिए बेटा, अपनी जो एसेंशियल शीट है उसके मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर, मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट वन में बेटा मैंने आपको पहले से सेक्शन डी तक दे रखे हैं शायद, बेटा आप सेक्शन ई निपटा सकते हो उसके अंदर, बाकी धीरे धीरे करते रहना। एचसीवी के अंदर से अगर आपको बेटा सवाल करने हो तो मैं सवाल आपको वैसे तो पहले भी दे चुका हूँ, इसमें एचसीवी के पार्ट टू के अंदर चैप्टर है और चैप्टर का नंबर है बेटा 43। मैं आपको वैसे बेटा पहले से खूब सारे सवाल इसके अंदर दे चुका हूँ, है ना, आप अब सारे निपटा सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो इसको, इसको कंप्लीट निपटा सकते हो, ठीक है।